अब गर्मियां जब भी आती है तो घर में टिंडे जरूर बनते हैं, लौकी जरूर बनती है, तोरी जरूर बनती है। लेकिन जहां तक इन सब्जियों की बात है, इन्हें खाना बच्चों को तो पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन आप ये मैरिनेटेड मसाला टिंडे की रेसिपी ट्राई कर देखना। सिंपल है, इजी है, जल्दी बन जाती है और सच में बहुत टेस्टी है, थोड़ी सी यूनिक है, तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं। अब ये ध्यान देना कि आपने बड़े बड़े टिंडे नहीं लेने, आपने थोड़े छोटे साइज के ही लेने हैं। आप देख सकते हो कि मेरे जनरली सारे जो राउंड गॉड है वो छोटे ही है, बड़े नहीं है। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि टिंडो को आप अच्छे से धो लेना और इसकी जो रूट्स है दोनों साइड आप इनको हटा देना। मैंने एक एक करके यहाँ पर सारे टिंडो से रूट्स हटा दिए हैं और अब छिलने की बारी है। देखो, अगर आपके टिंडे कच्चे कच्चे होंगे तो ऐसे जब आप चाकू से खुरचोगे तो ये आराम से छिलने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा मेरी मम्मी बहुत अच्छा कर लेती है। इनफैक्ट मैं जानता हूँ आप सबकी मम्मियाँ कर लेती होंगी, लेकिन मुझे खुरचना थोड़ा पसंद नहीं है, तो मैं तो ऐसे पीलर लेता हूँ और पीलर से आराम से एक ही बारी में पूरे टिंडे को पील कर लेता हूँ। खुरचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, पीलर से मुझे कम टाइम लगता है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसी से उसको पील करना। लेकिन अच्छे से पील करने के बाद फिर से आप टिंडों को एक बारी धो जरूर देना ताकि वो क्लीन हो जाए। अगर आपके छोटे टिंडे हैं तो आपने उनको हाफ में डिवाइड करना है। अगर बड़े बड़े पीसेस आप यूज कर रहे हो टिंडों के तो अब उनको चार पार्ट में कर देना। आप देख सकते हो मैंने जनरली उनको हाफ में ही डिवाइड किया है। मोस्टली मेरे टिंडे कच्चे ही हैं, एक हाथ थोड़े से पक्के होंगे, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। मैं प्रेशर कुकर में इसको पकाऊंगा तो ये अच्छे से गल जाएंगे। अब जितनी भी ये गर्मियों की सब्जियां होती है, चाहे वो टिंडे हो, तोरी हो, लौकी हो, जितनी भी ये सब्जियां होती है उनमें पानी बहुत होता है ताकि वो गर्मियों के लिए ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी रहे, राइट। लेकिन जब भी आप इनकी ग्रेवियां बनाओगे ना, आप नोटिस करना कि उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से ग्रेवी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेवी का फ्लेवर ही नहीं आता। तो ग्रेवी का फ्लेवर लाने के लिए उसको हल्का सा कॉन्सेंट्रेटेड करना बहुत जरूरी है। तो मैरिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने तड़के वाले पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल डालना, लगभग 2-3 टेबलस्पून। और सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप गैस को ऑफ कर देना। एक चम्मच आपने यहाँ पर बेसन डालना है और उसको भून लेना है। उसके बाद फटाफट से हम यहाँ पर टिंडों की मैरिनेशन शुरू करते हैं। और ये बेसन का आप कमाल देखना। बेसिकली मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही डाली है। दही खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही हो। उसके बाद आप यहाँ पर जो बेसन और सरसों का तेल का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था वो आप यहाँ पर डाल देना। और फिर हम यहाँ पर मसाले डालेंगे। दोस्तों, अगर मसालों की बात करें तो मसाले ना सिर्फ फ्लेवर देते हैं कोई भी रेसिपी को, बट हमें डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर धनिया, जीरा, सौंफ ज़्यादा हो तो वो पेट को थोड़ा ठंडा करती है। काली मिर्च, सौंठ, ये सब चीज़ें पेट को हल्का सा गर्म करती है। बेसिकली डाइजेशन में भी बहुत काम आता है, ऐसे नहीं हम अपने मसाले खाते। तो आप जब भी कोई मसाले का पाउडर फॉर्म लो तो आप ये ध्यान ज़रूर देना कि वो पाउडर एकदम फाइन नहीं होना चाहिए। एकदम फाइन होगा तो उसमें मिलावट होने के चांसेस होंगे, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डाला है टाटा संपन्न का धनिया पाउडर। और टाटा संपन्न के मसालों में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, और जो मसालों में नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो ही मेन फ्लेवर इम्पार्ट करते हैं, वो ही मसालों के सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आपने यहाँ पर साथ में लाल मिर्च पाउडर डालना है। नमक मैंने यहाँ पर डाला है। नमक के साथ साथ आप यहाँ पर 1 चम्मच तक भुना हुआ जीरा पाउडर डालना। और फिर आपने यहाँ पर डालना है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो है चाट मसाला। चाट मसाला आप इन टिंडों में जरूर डालना और देखना आप स्वाद। और एंड में मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। आप इन सब चीजों को अच्छे से मिला देना। और अब फिर बेसन का कमाल देखना। जो बेसन हमने भुन के डाला है ना, वो टिंडों के जो भी मॉइस्चर रिलीज होगा कुकिंग में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ग्रेवी काफी कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी, यानी कि जुड़ी जुड़ी बनेगी, थोड़ी थिक बनेगी, जिसकी वजह से एकदम फुल फ्लेवर आएगा, यानी कि फ्लेवर निखर कर आएगा। मजाक नहीं कर रहा, ये टिंडे अगर कोई नहीं भी खाता ना, चाट चाट के खाएगा, सीरियसली। खैर, आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, सारा मसाला टिंडों के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा।
चाट मसाले की खटास टिंडे के अंदर जा रही है, तब तक हम यहाँ पर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी मैंने सिंपल बनाई है, सिंपल मसाले इसी बनाई है मैं, जिसमें दो प्याज हैं, दो देसी टमाटर हैं, साथ में आप यहाँ पर लहसुन डालना, अदरक डालना, एक मिर्च मैंने ली है। देखो ज्यादा मिर्च विर्च नहीं डालेंगे, ग्रेवी बनाएंगे लेकिन बढ़िया, वो है कुकिंग टेक्निक। बस आप यहाँ पर प्याज को फाइनली चॉप कर देना, टमाटर को भी, अदरक लहसुन मिर्च को भी, और आप चाहो तो आप अगर मिक्सी में ग्राइंड करना चाहते हो तो आप टमाटरों को और अदरक लहसुन मिर्च को एक साथ ही ग्राइंड कर देना मिक्सी में, बिल्कुल आपके ऊपर है। बस फटाफट से कुकिंग शुरू करते हैं। कुकर में आपने जाना है, कुकर में आपने सरसों का तेल डालना है। जी हाँ, सरसों का तेल ही यहाँ पर डालना, बेस्ट रिजल्ट आएगा। सरसों के तेल को थोड़ा जलाना जरूरी होता है ना, जैसे ही उससे धुआं निकलने लग जाए, एकदम गर्म हो जाए तेल, फिर आप यहाँ पर एक चम्मच तक जीरा डालना, और जीरा जैसे ही सिजल करने लग जाएगा, फिर आपने यहाँ पर डालने हैं प्याज चॉप्ड अप। ये बेसिक ग्रेवी है या बेसिक मसाला आप कह सकते हो जो हम बना रहे हैं, तो इसमें आपको पता ही होगा कि यहाँ पर प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मीडियम फ्लेम पर करना, हाई फ्लेम पर मत करना, जल्दबाजी में मत रहना ना, आप लो फ्लेम पर करना, बस आपको यहाँ पर प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। ध्यान रहे इस बात का, फ्लेवर तभी निकल कर आएगा। हल्की सी खट्टी खट्टी ग्रेवी हो और हल्के हल्के प्याज की मिठास हो, तभी ग्रेवी में बैलेंस बनकर आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा, और जो टिंडे की जो फ्लेवर्स हैं वो निखर कर आएंगे। फनी बात लग रही है लेकिन ये सारी बातें सच है। तो आप यहाँ पर प्याज को स्टर करते रहना, मीडियम फ्लेम पर आराम से पकाना, और जैसे ही प्याज में कलर आना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का सा, ये देखो आप इस स्टेज पे हल्का हल्का प्याज में कलर आना शुरू हो गया है, प्याज से मॉइस्चर काफी रिलीज हो चुका है, छोटे छोटे से हो गए हैं प्याज, बस ये राइट टाइम है। आप यहाँ पर कटी हुई अदरक लहसुन मिर्च, ये तीनों चीजें यहाँ पर डाल देना। इसको भी आपने भुनना है बेसिकली, ताकि इनका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। और फिर थोड़े से मसाले डाल देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये दोनों आपने इसी स्टेज पर डालने हैं ताकि ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि खाना सिर्फ टेस्ट नहीं होता, खाने का फ्लेवर भी होना चाहिए, और जो फ्लेवर है वो खुशबू, कलर, टेस्ट, इन तीनों से आता है, तीनों होने चाहिए खाने में, तभी खाना बढ़िया लगता है। तो अपीलिंग बनाना भी बहुत जरूरी है खाने को। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई और करना, और थोड़ी देर में ही आप नोटिस करोगे कि प्याज में और कलर आने लग गया है हल्का हल्का सा। फिर ये राइट टाइम है कि भैया मसाले भी ना जले, आप यहाँ पर टमाटर डाल देना, टमाटरों में पानी होता है, और वैसे भी मैंने तो देसी टमाटर यूज करे तो इनमें और पानी होता है, और आपको तो पता ही है कि जैसे ही टमाटर आएंगे आपने यहाँ पर नमक डालना है। इसको आप यहाँ पर थोड़ी देर तक पकाना, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ध्यान रहे जो हमने मैरिनेशन करी है टिंडों की उसमें दही भी है, तो हमें दही को भी पकाना है, तो यहाँ पर आपको टमाटर को अभी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये करना कि आप इसका ढक्कन लगाना, थोड़ी देर के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना, 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर फटाफट से यहाँ पर टिंडे भी ट्रांसफर कर देंगे, ताकि जो दही लगी हुई है इस राउंड गॉड पे तो वो भी अच्छे से पक जाए। बस आप इसको ट्रांसफर कर अच्छे से स्टर करना, बहुत अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। अब क्या होगा कि टिंडों की भी हल्की सी भुनाई हो जाएगी, टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे, दही भी पक जाएगी, हमने मैरिनेशन करी है वो भी बढ़िया तरीके से पक जाएगी। बस अब आपने करना ये है कि आप इसको फिर से आधा ढक्कन लगाना, जो हमने जैसे हमने पहले लगाया था, और उसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना। 5 मिनट के बाद बस हमारा मसाला बढ़िया तरीके से पक चुका है। इसे तेल ज़्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि बेसन हमने डाला है ना, तो तेल बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान जरूर देना कि वो जो आपको वैसे दिखने में लगता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इसकी जो ग्रेवी है इसका कलर थोड़ा डार्क सा हो जाएगा, और तेल आपको हल्का हल्का साइडों पे दिखेगा, ज़्यादा अलग नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ध्यान देना इस बात का। बस अब आपने यहाँ पर पानी डालना है, लगभग 1 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है। पानी उसी बोल में डाला था जिस बोल में हमने टिंडे को मैरिनेशन में रखा था, ताकि सारा फ्लेवर हम उस बोल से निकाल दें। फटाफट से आप इसको मिला देना अच्छे से, और आपने इसका ढक्कन लगाना है, और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको 2 सीटी देनी है। और अब 2 सीटी के बाद जैसे ही कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए, दैट्स इट, आप ये देखो टिंडे, ग्रेवी वाले बढ़िया टिंडे, मैरिनेटेड टिंडे बनकर पूरे तैयार। कुकर खोलने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ऑब्वियसली आप ग्रेवी चेक कर लेना, लेकिन आप टिंडों को भी चेक करना कि वो सही से पके हैं या नहीं पके हैं। आप देख सकते हो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ कि हल्के से जूसी भी है, लेकिन टिंडे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, और ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं इस ग्रेवी के साथ खाने में, बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे।
अभी खत्म नहीं हुई है रेसिपी। एंड में आपने यहाँ पर ऑब्वियसली गरम मसाला डालना है फ्लेवर और एनहांस करने के लिए, और आप यहाँ पर भुनी हुई कसूरी मेथी जरूर डालना। ग्रेवी वाले टिंडे बहुत ही यूनिक टाइप के बनकर पूरे तैयार हैं, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर कोई टिंडे नहीं भी खाता ना, वो भी इन टिंडों को चाट चाट कर खाएंगे। सीरियसली आप इसको इस टाइम में बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।